नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोरोना संकट की वजह से देश में लॉकडाउन है। देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से कई लोग हैं एक राज्य से दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। बिहार के भी लाखों लोग फंसे हुए हैं और स्पेशल ट्रेनों के जरिए वे लगातार बिहार आ रहे हैं, उनकी बिहार वापसी हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि जब गुजरात से एक स्पेशल ट्रेन प्रवासियों को लेकर मुजफ्फरपुर के लिए चली तो रास्ते में एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम कोरोना कुमारी रखा गया है। गुजरात से लौटी मजदूरों की खेप लौट रही थी जहां रास्ते में ही महिला ने जन्म दिया। बिहार के छपरा निवासी दंपति ने कोरोना महामारी में जन्मी इस बच्ची का नाम रखा है कोरोना कुमारी। कोरोना में और कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है उस लॉकडाउन में इस बच्ची ने जन्म लिया है तो कोरोना कुमारी नाम रखा गया है इस बच्ची का। और मुजफ्फरपुर जिला सदर अस्पताल में अब इस महिला का इलाज चल रहा है और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गुजरात से बिहार लौटते वक्त रास्ते में ही प्रसव हो गया। महिला का नाम ममता कुमारी है जिन्होंने कोरोना कुमारी को जन्म दिया है और डॉक्टरों की टीम ने कोरोना जांच के बाद ही सदर अस्पताल में इस महिला को भर्ती करवाया और डॉक्टरों के अनुसार जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है और इनके जो पति हैं गुजरात में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, सत्येंद्र नाम है, और वो गर्भवती पत्नी के साथ आ रहे थे गुजरात से मुजफ्फरपुर, जो स्पेशल ट्रेन चली थी उसमें सवार होकर। और इसके बाद ट्रेन में जो हुआ वो हमने आपको बता दिया है। ट्रेन में कोरोना कुमारी ने जन्म लिया, कोरोना की वजह से इस दंपति ने अपनी बच्ची का नाम कोरोना कुमारी रखा है। तो पूरा वीडियो देखिए, बाइट सुनिए, तस्वीर देखिए और समझिए क्या खबर है। आगरा में बच्चे जन्म लिया है कोरोना में है, नाम कोरोना कुमारी रखा है। क्या हो गया डॉक्टर? डॉक्टर यहाँ अस्पताल में भर्ती किया है मुजफ्फरपुर, सब चेकअप हुआ है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार यादव। पत्नी का नाम है ममता देवी। घर बिहार पड़ेगा, छपरा जिला। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।